हेलो बच्चों, आज का जो वीडियो है भाई वो है आपका फीस के बारे में। क्लियर है? अभी नीट का रिजल्ट आने वाला है, साथ में काउंसलिंग डेट भी आने वाला है। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आप लोग एडमिशन लेना पड़ेगा भाई। तो एडमिशन में सबसे पहली बात आती है भाई कि उस कोर्स का फीस कितना है, ठीक है ना? सबसे पहले जो चेक करते हैं भाई, हम लोग चेक करते हैं फीस कितना है, किस कॉलेज का फीस कितना है भाई। और आप सभी जानते हैं कि जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होते हैं उसका फीस कम होता है, और जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज होता है उसका फीस क्या होता है, ज़्यादा होता है। इससे पहले हमने जो 2021 में काउंसलिंग हुए थे तो वहाँ पर फीस के बारे में पूरा वीडियो बनाए थे भाई, श्री शंकराचार्य का, रिम्स का, और एक और है कॉलेज बालाजी का, उसका भी बनाए थे, ठीक है ना? बालाजी अभी न्यू था, ओपन हुआ है, उसका भी फीस हम लोग बताए थे। लगभग जो फीस था वहाँ पर 10 से 12 लाख के बीच था, 11 लाख समथिंग, वो तो फीस ही था। बाकी जो एक्स्ट्रा फीस जो आप लोग का रहता है भाई देना पड़ता है, लगभग 12 लाख रुपए चल जाता है पर ईयर का। क्लियर है? और भी फीस है, इस बार का ऐसा है कि 10 से 20% बोला भी इंक्रीमेंट होने का, अब होगा कि नहीं होगा उसको देखेंगे। साथ में गवर्नमेंट ने यह भी बोला था कि जो है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का फीस उसका 50% ऑफ, या तो सर जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है उसके बराबर हो सकता है, ऐसा कुछ बोला है। तो सभी बच्चे उसी का वेट कर रहे हैं कि फीस क्या होगी, ठीक है ना? क्या उसके बराबर होगी, क्या 50% ऑफ होगी, ऐसा कुछ है, वही कंट्रोवर्सी चल रही है। तो ये जो कंट्रोवर्सी जो ख़त्म कब होगी भाई, ये कंट्रोवर्सी ख़त्म तब होगी जब आप लोग का नीट का रिजल्ट आएगा, काउंसलिंग डेट स्टार्ट होगा, तब वहाँ पास जो पूरी फीस है वो डीएमई पूरा डिसाइड करके बताएगी क्या है, कितना है, कैसा है। क्लियर है? तो आप लोग सपोज यही समझे कि जो फीस है आप लोग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का, वहाँ पास फीस में अगर डिफरेंस भी आता है और इंक्रीमेंट भी होता है तो कोई बात है ही नहीं, ज़्यादा से कितना होगा, 10% ही होगा, 10,000 ही होगा, उतना चल जाएगा भाई। बट जो आप लोग डिग्री देगा एमबीबीएस का वो इम्पोर्टेंस है, उसके बेस पे आप जो है बहुत सारे सर्विस कर सकते हैं, ठीक है? ये है, क्लियर है? ये सभी चीज़ें हैं फीस का, ठीक है ना? तो सबसे बात आती है भाई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का फीस क्या होगी, कैसे होगी, ये है। तो देखिए, हमारे जो फीस विनियामक समिति के जो सदस्य हैं डॉक्टर विष्णु दत्त, ये साथ में डीएमई भी है भाई, सदस्य भी है। तो इसने ये बोला है कि जिन कॉलेजेस का नोटिस आया है उसका फीस इसने बना के बता दें कि क्या है, कितना है करके, और जिन कॉलेज का अभी नोटिस नहीं आया है उन लोग का फीस अभी नहीं बना हुआ है। क्लियर है? तो नहीं डिसाइड हुआ है, तो आने वाला टाइम में डिसाइड हो जाएगा जैसे अगर नोटिस आ रहा है। तो फिर भी उसने ना बहुत सारे जो सब्जेक्ट होते हैं आप लोग का उसका डिसाइड किए हुए हैं, क्लियर है ना? जैसे कि अदर अदर कोर्सेज जो होते हैं, जैसे कि यहाँ से हम स्टार्ट करें तो यहाँ पास इसका जो फीस होता है वो डिसाइड किया हुआ है, क्लियर है ना? देखेंगे फीस भाई, एमडी पैथोलॉजी का 8.5 लाख है, एमडी पीएसएम का 5 लाख है, एमडी बायोकेमिस्ट्री 6 लाख है, एमडी माइक्रोबायोलॉजी का 7 लाख है, एमडी जनरल मेडिसिन का 6 लाख है, एमएस जनरल सर्जरी का 6 लाख है, एम एस ऑर्थोपेडिक का 6 लाख है, एम एस ओ बी एस एंड गायनी 6 लाख है, एम डी एनेस्थीसिया का भी 6 लाख है। तो इसका फीस उसने बता दिया है। तो आप यही समझे कि जो अदर भी जो सब्जेक्ट हैं, नीट का भी जो है फीस बचा हुआ है उसका भी फीस जो है जल्दी से डिसाइड हो जाएगा। क्लियर है? जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है उसका भी फीस क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो आप लोग वेट करें भाई, जब तक काउंसलिंग का डेट नहीं आता है तब तक फीस के बारे में हम नहीं बोल सकते क्या है, कितना इंक्रीमेंट हो रहा है। जैसे अगर आप लोग नीट का काउंसलिंग डेट आएगा तो हम लोग हर एक कॉलेज का प्राइवेट जो सेपरेट वीडियो बनाएंगे, फीस कितना है, कितना इंक्रीमेंट हुआ है, ये सब बताएंगे भाई। क्लियर है? तो मेरी बात यही है कि अगर आप सोच रहे हैं भाई आप लोग को अगर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करना है तो अगर आप फीस एफोर्ड कर सकते हैं तो ठीक है भाई, अगर आप फीस एफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आप लोग को इस साल बैठ के तैयारी करनी चाहिए। आपके मार्क्स अगर अच्छे आते हैं तो आप लोग को जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से भी एमबीबीएस हो सकता है। साथ में अच्छी बात यह है कि इस बार छत्तीसगढ़ में एक नया मेडिकल कॉलेज ओपन हुआ है, महासमुंद का 100 सीट है वहाँ पास एमबीबीएस का, अच्छी बात है भाई। तो आप लोग को जो है रैंक और मिलेगा, जिन लोग का नहीं हुआ था एडमिशन अगले जो इस बार जो हुआ था नीट में तो इस बार भी हो सकता है। क्लियर है? साथ में और भी आने वाला टाइम में ओपन हो सकता है भाई, 100 सीट और हो सकते हैं, आ सकते हैं। साथ में जहाँ पास पुराने जो सीटें हैं वहाँ पास सीट इंक्रीमेंट भी हो सकता है। क्लियर है? और साथ में अगर आप बैठ के तैयारी करते हैं ना भाई, जैसे कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए, तो आप लोग का जो फीस है बहुत बचेगा भाई। क्लियर है ना? सपोज आप सोचे अगर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस कर रहे हैं, समथिंग अगर 13 लाख रुपये पर ईयर खर्चा आ रहा है
तो आप लोग 6 साल तक का करेंगे, समथिंग 4.5 कुछ रहता है लाख का, पर मिनिमम मैं बता रहा हूँ कि सपोज आप लोग कर रहे हैं भाई 6 ईयर का कर रहे हैं, तो आप लोग के पास कितना खर्चा आएगा? सपोज 13 लाख पर ईयर का फीस है सपोज किसी कॉलेज का, तो आप लोग लगभग माने कि 5 साल तक आप कर रहे हैं, क्लियर है? तो कितना पैसा आएगा बताओ, कितना होगा बताएं? ये आएगा आप लोग का 65 लाख समथिंग आएगा, ये 5 साल का है। अगर आप वही भाई जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से अगर MBBS कर रहे हैं तो कितना फीस होगा बताएं भाई? लगभग अगर आप 1 लाख लेके भी चलेंगे पर ईयर का जो फीस है, तो 5 साल में आप कितना लगेगा बताओ? ये लगेगा आप लोग को 5 लाख लगेगा। तो कितना का डिफरेंस आया देखो, आप लोग डिफरेंस कितना है देखो, ये आया आपके पास समथिंग 60 लाख का आया है, ठीक है ना? 60 लाख का क्या आया है, डिफरेंस आया हुआ है, क्लियर है? तो यही है कि आप लोग बैठे भाई घर में तैयारी करें, और तैयारी कर रहे हैं मार्क्स अच्छे आते हैं तो आप लोग के पास जो फीस है वो इतना फीस आप लोग का बच सकता है, क्लियर है? तो यही था भाई कि DME ने अभी फीस के बारे में कोई नोटिस नहीं दिया हुआ है, और जल्दी ही फीस कितना होगा क्या होगा इसका नोटिस वो जल्दी ही अपने वेबसाइट पे अपलोड करेंगे। अगर कोई इन्फॉर्मेशन हमको मिलती है फीस के बारे में तो हम जल्दी ही एक नया वीडियो अपलोड करेंगे, फीस क्या है कैसा है करके, ठीक है? तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो आज के वीडियो यहीं तक का, थैंक यू वेरी मच।